आर्मी चीफ का फलस्तीनियों के मौकिफ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। गजा पर बमबारी से जानी नुकसान पर तश्वीश का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानियों की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा। आर्मी चीफ ने कहा कि जखीरा अंदोजों, स्मगलर्स और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज होंगी। मुल्क को माशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जाएगी। शुरका की गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर करने के फैसले की हिमायत। आर्मी चीफ की गैर कानूनी तारकीन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। गजा पर कयामत ढा दी गई। इमारतें, अस्पताल, स्कूल, सड़कें, कुछ ना बचा। इसराइल ने फलस्तीनियों को जबरी नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। गजा पट्टी तबाही के दहाने पर आ गई। जंगी जराइम पर अक्वामे मुत्तहिदा की इसराइल को तनबीह। कहा जबरी नकल मकानी इंसानियत के खिलाफ काबिले सजा जुर्म है, जिस पर बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत के तहत सजाएं दी जाती हैं। इसराइल ताकत के नशे में मजीद बिफर गया। जंग के अगले मरहले की तैयारी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान इसराइली अफवाज ने धमकी दी, अगला मरहला तवक्को से अलग हो सकता है। खान यूनिस और रफा में घरों पर बमबारी और मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 2900 से तजावुज कर गई। जख्मियों तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन तआवुन को तैयार। हुकूमत के सामने अपने तहफ्फुज़ात रख दिए। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता। वज़ीर इत्तला'आत मिर्ज़ा सोलंकी की साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर शफकत महमूद के घर आमद। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। शफकत महमूद ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को यकसा माहौल फराहम होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बराबरी की सतह पर मौके नहीं मिल रहे। इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं। दीगर जमातों को जलसे की खुली आज़ादी है। कौमी सतह पर मफाहमत के फरोग का इन्हिसार जमहूरियत के तसलसल पर है। कौमी मफाहमत तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। सदर को चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। सदर पर मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए जोर दिया। फजल रहमान ने सियासी गुंजाइश का फार्मूला पेश कर दिया। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम जमातों को तजवीज़ दे दी। सरबराज जयवाई ने कहा कि तमाम जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। वक्त आ गया है कि सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहरा करें। इख्तिलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी मंशूर देना सबका हक है, मगर अवलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। गुंजाइश पैदा ना की तो नुकसान सबका होगा। सियासी इंतशार से जमहूरियत मजबूत होगी, न मुल्की मसाइल हल होंगे। गुंजाइश का फायदा किसी एक को नहीं, तमाम जमातों को होगा। मसाइल का हल किसी एक जमात या शख्स के पास नहीं। उधर इसहाक डार की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, दोनों में गर्म जोशी से मुसाफा। रूसी सदर ने कहा खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को वसअत देना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौकिफ रखते हैं। तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर के आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए शाही में शिरकत। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पहुंचने पर चीनी सदर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के एशाइये में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। चीनी थिंक टैंक से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा किसी को भी पाक चीन ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने कंबोडिया को पहले राउंड के दूसरे लीग में 1-0 से शिकस्त दी थी। इस्लामाबाद में खेले गए मैच में वाहिद गोल हारून हामिद ने किया। अगले मरहले में पाकिस्तान का मैच सऊदी अरब से होगा। निगरान वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है आज खेल और फुटबॉल की फतह हुई बदकिस्मती से। पाकिस्तान में फुटबॉल को वो हैसियत हासिल नहीं जो होनी चाहिए। सियासत स्पोर्ट्स में भी दाखिल हो गई।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भारत में नामुनासिब रवैया, पीसीबी का आईसीसी से एहतजाज, सहाफियों के वीजों में ताखीर और शायकीन को वीजे जारी ना करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ी इन्फेक्शन में मुब्तला, अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया, शाहीन आफरीदी और उसामा मीर भी बुखार में मुब्तला। डच बॉलर्स ने प्रोटीज को मुश्किल में डाल दिया। नीदरलैंड्स के 246 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम मुश्किल का शिकार। बावुमा, टीकॉक, ड्यूसन और मार्करम नाकाम। डच बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, नीदरलैंड्स की जानब से स्कॉट एडवर्ड्स की 78 रन की शानदार इनिंग। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज तर। मुस्लिम लीग नून के मरकजी क्यादत मुतहरिक, शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, नवाज शरीफ की क्यादत में अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, मुल्क को मुआशी तबाही के गढ़े से निकालेंगे, फिर साबित करेंगे सब ठीक हो सकता है। मरियम नवाज की भी ताशों से मुलाकात। नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का एजेंडा मुईशत की बहाली है। नवाज शरीफ मिसाक मुईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा, कारोबार में आसानी पैदा की जाएगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी पर मनफी खयासराइया करने वाले थोड़ा इंतजार करें, नवाज शरीफ वापस पहुँच कर कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा? आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समाप्त की गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर, 23 अक्टूबर को दोनों पर फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में केस की समाअत, वकलाए सफाई ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जेल ट्रायल पर कानूनी एतराज उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाचायज इस्तेमाल से रोक दिया। बुनियादी हकूक के तहफ्फुज पर बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा होता है। खौफ का ये माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाकदीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन न समझे। 11 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तहरीर किया। अमरीकी सदर जो बाइडन कल इसराइल और उर्दन जाएंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोएम से भी मुलाकात होगी। जो बाइडन का कहना है कि हमास फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत के लिए खड़ी नहीं हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह इसराइल पहुंच गए। मुमकिन जमीनी कार्रवाई से पहले 2000 अमरीकी फौजियों को इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत। अमरीका ने दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल भिजवा दिया। उधर जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न हुई। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान की मुखालफत। रूसी मंदूब ने कहा कि मगरबी ममालिक के नुमाइंदों ने खूरेजी के खात्मे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास जद्दा में होगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी सऊदी अरब पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा भी शरीक होंगे। सऊदी फरमारवा की फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई का गजा में जारी इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। लेबनान की मजामती तंजीम हिजबुल्ला के इसराइल पर हमले, टैंक्स और इंटेलिजेंस को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जंग में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। हमास ने यरकमारियों की फुटेज रिलीज कर दी। जंग में मजीद वसत का खदशा, अमरीका और इसराइल का इमदादी सामान रफा भेजने पर इत्तेफाक। बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने पर मुजाकरात कामयाब। मिस्र में इमदादी काफिले रफा बॉर्डर की जाने बढ़ना शुरू। गजा में नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल कायम। गजा में हामला खवातीन की जिंदगियां दांव पर। 19,000 हामला खवातीन को महफूज मकामात की तलाश। 5,500 खवातीन के हाथ इसी माह बच्चों की पैदाइश होगी। नुजायदा बच्चों को भी शदीद खतरात लाहक। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के मुताबिक हामला खवातीन को तिबी सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं।
आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा को फौरी इमदाद की जरूरत है। बताया इसराइल ने 115 तिबी मराकज को निशाना बनाया। पानी और बिजली की किल्लत के सबब बेशतर अस्पताल काम नहीं कर रहे। पीटीआई रहनुमाओं की बार बार गिरफ्तारी पर पेशावर हाईकोर्ट बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने दोबारा गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकाम की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है, आपकी यकीन दहानी पर एतमाद है, दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे, किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अब अपील 5 रुकनी बेंच सुनेगा। वफाकी हुकूमत की नैब तरामीम बहाल करने की इस्तदा मौकिफ अपनाया। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 15 करोड़ डॉलर्स फराहम करने का फैसला। तवानाई सेक्टर मंसूबे के लिए 13 करोड़ 50 लाख डॉलर्स बतौर कर्ज मिलेगा। 1.5 करोड़ डॉलर बतौर ग्रांट भी फराहम की जाएगी। मंसूबे का मकसद तवानाई शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी फराहम करना है। जमात इस्लामी की ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन पर कौमी कॉन्फ्रेंस। कौमी क़यादत, उलमा और अवामी नुमाइंदों की शिरकत। गाज़ा पर हमलों की शदीद मसम्मत। आलमी ताकतों की मुजरमाना खामोशी पर एहतजाज। जंगी जराइम के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालबा। एमकेएम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करेगी। 20 अक्टूबर को शारह फैसल कराची पर रैली निकाली जाएगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। दुनिया भर में रैलियां। लंदन, फिलिपाइन और नेदरलैंड में आवाम सड़कों पर। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में भी गजा के हक में मुजाहिरा। मोदी की इंतहा पसंद पुलिस ने मुजाहरीन को पकड़ लिया। मॉस्को में फलस्तीनी सिफारत खाने के बाहर फूल रखे गए। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीनियों के हक में यहूदियों का बड़ा मुजाहिरा। जंगबंदी का मुतालबा। कोलंबिया में इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। तारा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इंसाफ के नाम लिख दो, ये बगैर इंसाफ के जन्नत में जाएंगे। नवाज शरीफ के जलसे में आए जन्नत पाए। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA असदुर रहमान रमदे जन्नत के टिकट कन्फर्म करने लगे। कॉर्नर मीटिंग में अजीबो गरीब खिताब कर लिया। कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें, जन्नत में जाएं। अट्ठाईस दिन बाद डॉलर की मज़ाहमत। डॉलर 20 पैसे महंगा, 277 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 39,500 की सतह पर आ गया। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% कमी। मोहसिन नकवी का कहना है दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आएगी। आटे की फी थैला कीमत में भी 10 रुपए कमी। घी एसोसिएशन ने 15 रुपए फी किलो कमी का ऐलान किया। पोल्ट्री एसोसिएशन ने चिकन और अंडों की कीमतें कम करने का कह दिया। यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज। सनम जावेद की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्तदा मुस्तरद। ATC लाहौर ने यास्मीन राशिद के हवाले से फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने समन जावेद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली।